नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे उसका नाम क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज हम ये पढ़ेंगे कि नेचर के अंदर हम देखते हैं कि दो टाइप की चीजें हमको नजर आती है। पहली जो चीज है वो है मैटर, यानी कि हर एक चीज जो कि एटम से मिलकर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं या मटेरियल, है ना। दूसरी चीज रेडिएशन, रेडिएशन मतलब जैसे लाइट हो गई, जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये सब रेडिएशन में काउंट होती है, जो कि प्योर एनर्जी होती है। तो हम अपने चारों तरफ दो टाइप की चीजें देखते हैं हमेशा, या तो हम मैटर देखेंगे जो कि एटम से मिलकर बनेगा, जिसकी नेचर क्या होती है, पार्टिकल नेचर, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। और दूसरी चीज हम देखेंगे रेडिएशन, जिसकी नेचर क्या होती है, वेव नेचर। ये दो ही टाइप की चीजें हमको अपने आसपास चारों तरफ नजर आएंगी। अब जो रेडिएशन है उसकी वेव नेचर सबको पता है, क्योंकि जितने भी रेडिएशन है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसका मतलब वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेंगी। तो जो रेडिएशन है उनकी वेव नेचर सबको पता है, और जो मटेरियल्स है या जो मैटर है उसकी पार्टिकल नेचर सबको पता है, कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हम ये प्रूव करेंगे कि जो रेडिएशन है उनकी वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होती है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें हमने ये देखा कि अगर हम रेडिएशन को पार्टिकल की तरह एज्यूम करते हैं तभी हम उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं, और जो मैटर है मैटर के लिए पार्टिकल नेचर सबको पता है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिनमें हमको ये पता चला कि जो मैटर है जब कोई भी पार्टिकल है जब वो मूव कर रहा होता है तो उससे भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, उसकी भी एक वेवलेंथ होती है, और उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसके मूव करने से उनको बोलते हैं मैटर वेव्स। मतलब हमको दोनों की डबल नेचर प्रूव करनी है, रेडिएशन की वेव नेचर सबको पता है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि रेडिएशन की वेव नेचर तो होती है, हमको ये प्रूव करना है कि वो पार्टिकल नेचर कब शो करेगा, और अगर पार्टिकल नेचर शो करेगा तो उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग स्टडी करेंगे मैटर के बारे में कि जब मैटर यानी कि कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। अगर एक मूविंग पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा जिसको हम मैटर वेव्स बोलेंगे, तो उनकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। उससे अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं उस पार्टिकल की, मूविंग पार्टिकल की, तो हम उसकी वेव नेचर को प्रूव कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों की, रेडिएशन की भी डबल नेचर प्रूव करेंगे और मैटर की भी हम डबल नेचर प्रूव करेंगे। इस चैप्टर का टारगेट यही है, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजों पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है और वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिलने से वो एटम से फ्री हो गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कोई भी एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये एटम है इसके न्यूक्लियस से ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी ये काफी दूर होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, और वीक फोर्स होने की वजह से अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से दे दी जाती है तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस एटम से फ्री हो जाएंगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक कोई भी सॉलिड मेटल का पीस है, उस मेटल के पीस के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है मान लो वो एनर्जी मिलने से फ्री हो गए, तो अब वो एटम से तो फ्री हो चुके हैं लेकिन वो उस मेटल के अंदर ही फ्रीली रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे, वो मेटल की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ इतनी एनर्जी दी है कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो पाए। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, लेकिन अभी ये इस मेटल की बाउंड्री से बाहर नहीं निकला है। जैसे ये कोई मेटल का सॉलिड पीस है तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे होंगे, लेकिन ये मेटल की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका रीजन है कि जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। शुरुआत में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जैसे इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। दोनों का मिला के टोटल चार्ज जीरो बन रहा है, इसका मतलब मेटल अभी भी न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है मेटल, इसका मतलब इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच लेगा, ये वापस अंदर आ जाएगा, इसका मतलब ये निकल नहीं पाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि इस मेटल के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर चला जाए। जैसे ये निकलने की कोशिश करेगा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो क्या होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये दूर भाग जाए एकदम से, ठीक है, और मेटल इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। तो इसको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जो मेटल की बाउंड्री से बाहर निकलना चाहता है, वो मिनिमम एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब करके कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की बाउंड्री से बाहर निकल पाएगा, उस मिनिमम एनर्जी का ही नाम होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब करके कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा, उस एनर्जी का नाम हमने क्या रखा, वर्क फंक्शन। इसको हम फाइन आउट के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वर्क फंक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई वर्क फंक्शन क्या चीज है, तो ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसको एब्जॉर्ब करके कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की बाउंड्री से बाहर निकलता है, ठीक है, उस मिनिमम एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। अगर इससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को तो इजिली बाहर निकल जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर, ताकि वो बाहर निकल पाए। इससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। तो क्या क्या चीजें हमने देखी, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काफी वीक होता है और एनर्जी मिलने से वो एटम से फ्री हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर बहुत सारे होते हैं लेकिन वो मेटल की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। अगर आप और एनर्जी उनको देते हो तो वो मिनिमम एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब करके कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की बाउंड्री से बाहर निकल पाता है, उस मिनिमम एनर्जी का नाम ही क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात एकदम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर आप किसी भी मेटल की बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो तो इसकी चार बेसिक मेथड होते हैं, चार तरीके से आप किसी भी मेटल की बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। जो पहला मेथड है वो है थर्मियोनिक एमिशन। पहला मेथड क्या है, थर्मियोनिक एमिशन। इसमें हम क्या करेंगे, एक मेटल पीस लेंगे और उसको गर्म करेंगे। क्या करना है, उसको गर्म करना है, ठीक है। मान लो कि ये कोई मेटल पीस है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर से हीट दे रहे हैं, इसको गर्म करना चालू कर देंगे। हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर वो एनर्जी जो हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है या वर्क फंक्शन के बराबर भी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ये थर्मल एनर्जी मिलने पे हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब है थर्मल एनर्जी मिलने से, यानी कि हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन का मेटल से बाहर निकलना, तो उसको क्या बोला जाएगा, थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड है इसके अंदर सेकेंडरी एमिशन। इसमें हम क्या करेंगे, एक मेटल पीस लेंगे, ये मान लो कि एक मेटल पीस है और इसके ऊपर मान लो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रेंडमली इधर उधर, ये मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेंडमली इधर उधर घूम रहे होंगे। अब हमने क्या किया, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की इस मेटल से कोलिजन करवाई। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके मान लो इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया, ये है यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो जाके टक्कर मारेगा, ठीक है, और ये है यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जिसको टक्कर मारी जा रही है। जैसे इसको टक्कर मिलेगी तो ये जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो इसको ट्रांसफर कर देगा, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हमने क्या किया, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की कोलिजन करवाई किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो मेटल की बाउंड्री के अंदर घूम रहा था। जैसे इसको टक्कर पड़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की बाउंड्री को छोड़ के बाहर भाग जाएगा। तो क्योंकि इस मेटल की बाउंड्री से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये भी एक एमिशन का तरीका हो गया जिससे हम इलेक्ट्रॉन को मेटल की बाउंड्री से बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसलिए इस एमिशन का नाम हमने क्या रख दिया, सेकेंडरी एमिशन रख दिया। तो सेकेंडरी एमिशन में क्या होगा, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आएगा, टक्कर मारेगा किसी इलेक्ट्रॉन को और खुद तो एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर और दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो ये जो तरीका है इसका नाम क्या रख दिया, सेकेंडरी एमिशन रख दिया। आसान है एकदम, ठीक है जी। फिर तीसरा है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मान लो कि ये कोई मेटल स्लेब है, कोई मेटल का पीस है अपने पास, इसके ऊपर हम लाइट या रेडिएशंस डालेंगे। क्या डालेंगे इसके ऊपर, लाइट या रेडिएशंस डालेंगे।
लाइट या रेडिएशंस की फॉर्म में इस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या उसके बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप रेडिएशन डाल के या लाइट डाल के किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलेंगे। यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में डाली जा रही है, जो इस सरफेस के ऊपर डाली जा रही है, वो हम एक पार्टिकल की तरह एज्यूम करते हैं जिसको हम फोटोन बोलते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो रेडिएशंस हैं उनके जो एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको हम फोटोन बोलते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो फोटोन से हमने फोटो वर्ड ले लिया और इलेक्ट्रॉन से हमने इलेक्ट्रिक वर्ड ले लिया, और इसे मिला के क्या बना दिया, इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसका नाम क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें फोटोन मिलने से यानी कि रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, फोर्थ जो तरीका है वो है फील्ड एमिशन। इसमें हम एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को मेटल की बाउंड्री से बाहर निकालेंगे। ये मान लो कि एक मेटल स्लेब है, इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये कोई हाई वोल्टेज बैटरी है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज बैटरी क्या करेगी, इस मेटल के अंदर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। आपको पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इस मेटल के दोनों सिरों के बीच में क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो कि मैग्नीट्यूड में काफी ज्यादा होगा क्योंकि ये हाई वोल्टेज से प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्रीली घूम रहे हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे। और फोर्स लगने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है वैसे, क्यू इंटू ई, क्यू मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है। तो अगर आप यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स भी काफी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करके इस मेटल की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर भाग जाएंगे। तो ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, इसका हम क्या नाम रखेंगे, इसका हम नाम रखेंगे फील्ड एमिशन। क्या नाम रखा जाएगा इसका, फील्ड एमिशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो इस मेथड का नाम है फील्ड एमिशन। आया समझ में, आसान है एकदम, ठीक है जी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के सोर्स के लिए हम दो चीजें डिफाइन करेंगे, एक तो लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है और एक होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। देखो, जब भी किसी लाइट के सोर्स से लाइट एमिट होती है, मान लो कि ये कोई लाइट का बल्ब है और ये क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, चारों तरफ इससे लाइट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट है ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, उन पैकेट्स का नाम होता है फोटोन। क्या बोलते हैं उनको, फोटोन। जैसे ये लाइट का सोर्स है तो इससे छोटे छोटे, इमेजिन करो कि छोटे छोटे पैकेट्स इस तरीके से चारों तरफ बाहर निकल रहे हैं, इन पैकेट्स का नाम क्या होगा, फोटोन बोलते हैं इनको। फोटोन की सारी प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, चारों तरफ इस लाइट के सोर्स से फोटोन बाहर निकल रहे होंगे। तो ये जो लाइट का सोर्स है ये चारों तरफ इन फोटोन्स को एमिट कर रहा होगा, ठीक है। ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको हमने फोटोन बोला, इनकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एच न्यू। फॉर्मूला क्या होगा, ई इक्वल टू एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसको आप वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्या लिख सकते हो, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो फोटोन की एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो कोई भी लाइट का सोर्स है वो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर रहा होगा उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके उसके जो पैकेट्स हैं जिनको फोटोन बोला जा रहा है उन पैकेट्स की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब एनर्जी के फोटोन मान लो आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली। अब एक चीज देख के बताओ कि ये जो फोटोन है इनकी एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। एच का मतलब क्या है, यहाँ पे एच का मतलब होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, एच की वैल्यू होगी 6.6 × 10⁻³, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एच का मतलब क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट,
प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये फॉर्मूला बताया था, तो उसके नाम पे ये जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर, इसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.6 × 10⁻³⁴। तो आप फॉर्मूला देख के इजिली बता सकते हो कि एनर्जी ऑफ द फोटोन किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। अलग अलग लाइट का सोर्स होगा तो उसकी जो एमिट होने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो एक सिंपल सा आप रिलेशन यहाँ पे ये बता सकते हो कि ये जो फोटॉन एमिट हो रहे हैं इस लाइट के सोर्स से, उन फोटॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी के। जो लाइट का सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप वो इंक्रीज करोगे तो उससे क्या चीज इंक्रीज होगी, जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है, याद रखना है। तो जब भी ये बोला जाए कि एक लाइट का सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो समझ जाना कि आप क्या बढ़ा रहे हो, उसके जो फोटोन्स हैं, उसके जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। आया समझ में? दूसरी जो टर्म हम यूज करेंगे वो है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, देखो कोई भी लाइट का सोर्स है, मान लो आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मान लो आपने येलो कलर का बल्ब यहां पे लगा रखा है और आप इस बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, आप ज्यादा पावर का बल्ब यूज कर लो, पहले आपने 100 वाट का बल्ब यूज किया था, अब आप 200 वाट का बल्ब यूज कर लो, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी और कलर वही रहेगा, लाइट का सोर्स थोड़ी बदला, बस आपको आपने उसकी पावर बढ़ा दी, जो उसको पावर दी जा रही है वो इंक्रीज कर दी। पावर इंक्रीज करने से ये ज्यादा लाइट को एमिट करने लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या चीज इंक्रीज हो रही है, ज्यादा क्वांटिटी में आपको लाइट मिल रही है, ज्यादा लाइट मिल रही है, लाइट का कलर वही रहेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लाइट की वेवलेंथ वही रहेगी, क्या चीज चेंज हो रही है, लाइट की क्वांटिटी बढ़ रही है, ज्यादा लाइट मिल रही है अपन को। अगर ज्यादा लाइट मिल रही है तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, ये जो लाइट का सोर्स है, जैसे आपने लाइट के सोर्स की पावर बढ़ाई, ज्यादा एनर्जी आपने इस लाइट के सोर्स को दी, ज्यादा पावर आपने इसको दी, तो ये ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करने लग गया, मतलब ज्यादा पैकेट्स को फेंकने लग गया ये। पहले अगर 100 वाट का बल्ब लगा रखा था तो मान लो वो पर सेकेंड 100 फोटोन एमिट कर रहा था, तो जैसे आप 200 वाट का बल्ब लगाओगे तो अब वो 200 फोटोन को एमिट करेगा। बात समझ में आई क्या, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, अगर 500 वाट का बल्ब लगा दोगे तो क्या करेगा, 500 फोटोन को एमिट करने लग जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, अगर आप बल्ब की पावर बढ़ा रहे हो ना, तो उससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, चमक बढ़ जाएगी, और अगर इंटेंसिटी या चमक बढ़ रही है तो इसका मतलब वो ज्यादा फोटॉन्स को एमिट करने लग जाएगा। तो इससे सिंपल सा ये मतलब समझ में आया कि अगर हम किसी भी लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उससे क्या चीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे जो वो लाइट का सोर्स एमिट कर रहा होगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। ये दोनों बातें समझ में आई क्या, पहले ये बताओ, कभी भी ये बोला जाए कि एक लाइट का सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसका मतलब क्या चीज बढ़ा रहे हैं हम, एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ा रहे हैं जो वो लाइट का सोर्स एमिट कर रहा होगा। और कभी भी ये बोल दिया जाए कि लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो समझ जाना कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या चीज बढ़ रही होगी, नंबर ऑफ फोटोन जो वो लाइट का सोर्स एमिट कर रहा होगा वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, ज्यादा फोटोन वो लाइट का सोर्स एमिट करने लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझ में आया क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान है। ठीक है,